Please give a huge round of applause for yourself once. Come on. All right, so to all the respected members of the media, cast and crew, and of course, all our distinguished celebrity guests, this is me, Anirudh Srivastava, welcoming all of you to the very prestigious teaser launch of this very special film. Ladies and gentlemen, I'm talking about Moksh to Maya. Ek aur baar zordaar taaliyan ho jaye. Come on. And jaisa ki aap sabko bhi pata chala hoga ki hum thoda sa late chal rahe hain as far as time is concerned. So we'll jump straight to the main things, the main matters. First up, I'll call upon stage an actress who's proved her acting worth in the world of Bengal, Odisha, and has already shown amazing portrayal of her characters in Hindi cinema with, of course, Babu Moshai Bandookbaz, with Nawazuddin Siddiqui, and now Moksh to Maya. Ladies and gentlemen, give a big round of applause for Binta Bagh! Finally on the verge of releasing, and the teaser is being launched today. I'm very excited. I'm waiting to see the teaser. आपने तो देखा होगा ना? नहीं टीज़र नहीं देखा है हमने, हमने फिल्म देखी है वो भी डबिंग करते वक्त। अच्छा अच्छा। Can I have another mic, please? So you've always been known for choosing such amazingly diversified and great subjects. कैसे? How do you manage to do that? मैं कुछ इतना सोच के नहीं करती। Actually मैं मुझे scripts पढ़ना बहुत पसंद है। मेरे पास luckily अच्छे scripts आते हैं। और उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू भी हो जाते हैं, उनमें से एक प्रोजेक्ट है मोक्ष टू माया। स्क्रिप्ट आई, पसंद आया, तुरंत शूटिंग भी चालू हो गई, बहुत ही शॉर्ट नोटिस में, अराउंड 20 डेज के नोटिस में फिल्म चालू हो गई और खत्म भी हो गई जल्दी। हमने अराउंड 25 to 28 डेज में शूटिंग कम्प्लीट। ओह वंडरफुल, तो एकदम लाइटनिंग स्पीड में सब कुछ हो गया, पता भी नहीं चला। यू जस्ट सेड आपको स्क्रिप्ट पढ़ने का बहुत शौक है, एंड हेंस यू एंड अप दूसरों के भी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, यू एंड अप चूजिंग गुड सब्जेक्ट्स। बट बहुतों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है आजकल, मैं बता रहा हूं। कहा कि आई एम लकी कि मेरे पास अच्छे स्क्रिप्ट्स आते हैं। एंड इफ यू लाइक टू टॉक अबाउट अ लिटिल अबाउट योर कैरेक्टर इन द फिल्म। जनरली क्या होता है कि लोग माया से मोक्ष की तरफ जाते हैं, पर ये तो उल्टा ही है। इधर पहले मोक्ष है फिर माया, मोक्ष टू माया, ये क्या है? यही क्वेश्चन है कि मोक्ष टू माया है क्या चीज। इस फिल्म में मैं मोक्ष का किरदार निभा रही हूँ, सॉरी माया का किरदार निभा रही हूँ। माया माया की शादी हो चुकी है, वो राजस्थान में रहती है। जिससे शादी हुई है वो बहुत पीटता है, मारता है। अब है कि ये माया घर संभालती है, अचानक उस एरिया में किसी का जो है मर्डर हो जाता है, और जो इंस्पेक्टर साहिबा जिसका कैरेक्टर मेघना मलिक जी निभा रही हैं, वो माया पे शक करती है और माया का जीना मुश्किल कर देती है। okay, ये है स्टोरी। पर बाद में और भी कुछ लेयर्स है, ये सस्पेंस थ्रिलर नहीं, है, तो उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती, पर है ये सस्पेंस थ्रिलर। वंडरफुल वंडरफुल, ग्रेट टू नो अबाउट योर कैरेक्टर, बिकॉज़ अभी तक ज्यादा चीजें बाहर नहीं आई हैं जहां तक फिल्म की कहानी का सवाल है। सो इट्स रियली वंडरफुल टू नो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू एंड एवरीवन। देखिए जैसे इन्होंने कहा कि मैंने भी स्क्रिप्ट सुनी और जल्दी ही बननी शुरू हो गई फिल्म, और सुनते सुनते बन गई और आज हम यहाँ खड़े हैं। इससे यू नो इट हैज बीन अ रोलर कोस्टर लाइक दैट। मुझे नहीं मालूम था कि मैं अपना काम खत्म करके आ गई थी और देन आई वाज इन टच विद विदिता एंड शी वुड से कि हाँ हाँ पूरी हो गई है। सो इट्स अ नाइस फीलिंग बिकॉज इतने लोग जुड़े होते हैं एक फिल्म से, बड़ी मेहनत लगती है लोगों को जोड़ना, समेटना और उसे अंत तक पहुँचाना, फिर यू नो सो इट्स अ होल टीम एफर्ट एंड everyone in the team is excited about the film, and the film has a subject which is very interesting. हमारे देश में जहाँ you know बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और नारी शक्ति का नारा गूंज रहा है, so उससे मिलती जुलती उस आवाज को, powerful आवाज को आप इन दो महिलाओं के जरिए इस फिल्म में सुनेंगे। इसीलिए प्रोड्यूसर्स को लगा होगा कि विदिता को यही परेशान कर सकती है तो इन्होंने मुझे बुलाया। बट इट वाज लवली वर्किंग विद विदिता, एंड हम पहले ही दिन जब मिले तो वी वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर, एंड आई कुड सी द वे शी वर्क्स, अपनी स्क्रिप्ट पे काम करना, अपने नोट्स बनाना, एंड सो समथिंग आई फेल कि ये तो बड़ा एक कॉमन पेज पे हैं हम दोनों के दोनों, और रिहर्सल्स और और पहले भी आप कर चुकी हैं तो ये तो शुरुआत है, और ऐसे ही आप करती रहें इंशाल्लाह। और एज फार एज माई कैरेक्टर एज शी सेड, अच्छा सो हमारा टकराव होता है, ये इनसे कुछ
खता होती है या ये इनकी अपनी एक जिंदगी इन्हें कहीं किसी मोड़ पर ले आती है, और इनका टकराव अंबिका सिंह जो किरदार है, पुलिस ऑफिसर है जो मैं निभा रही हूँ, उससे होता है। और अंबिका सिंह एक ऐसी पुलिस ऑफिसर है जो एक अच्छी पुलिस ऑफिसर को होना चाहिए, बड़ी शातिर है, क्लेवर, ब्राइट, वेरी कॉन्फिडेंट और वेरी अटेंटिव टू डिटेल्स। तो केस को समझना, जिन जिन लोगों के यू नो इंटरेक्शन होता है, जिन लोगों तक वो पहुंचती है, उनसे सवाल जवाब, इनसे माया से सवाल जवाब। और एट द सेम टाइम बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, नॉट ओनली दैट शी इज ओनली अबाउट दैट, बट शी इज ऑल्सो बहुत ही कंपैशनेट महिला है। और सब कुछ तो नहीं बताना चाहिए, हाँ। सो आप देखेंगे दो महिलाएं हैं, अपने अपने मैदान को संभाले हुए हैं और नहले पे दहला है, इतना ही है। वही बाहर होता है और उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए हमारी ऑडियंस होती है, और बाकी तो ऑडियंस बताएगी, हम भी आज ऑडियंस की तरह ही खड़े हैं यहाँ पे। ये बहुत अच्छा जर्नी रहा। अचानक नीरज भारद्वाज हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कहा कि मतलब कि एक फिल्म बनाई जाए। मैंने भी बहुत वक्त से मतलब ये किया है। और सर आपके लिए कितना चैलेंजिंग था इस तरह के सब्जेक्ट को पर्दे पर लाना, डायरेक्ट करना? हाउ वाज इट, हाउ चैलेंजिंग वाज इट फॉर यू बेटी को संभालना? बिल्कुल नया एक्सपीरियंस लाइफ में, कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और वैसे ज़िंदगी तो सीखने का ही नाम है, हर पल हम सीखते रहते हैं। और लेकिन एज एन एक्टर से हम ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोड्यूसर का हुआ है, बहुत कुछ सीखने को मिला। थियोरेटिकल आप जानते रहते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल जब मैदान में कूदते हैं तो चीज़ें कुछ और होती हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि लड़ना है, लेकिन यार तलवार कौन सी चलानी है ये अब प्रैक्टिकल ही पता हो पाता है कि कौन सा तलवार लेना चाहिए। तो अब कम से कम हम लोगों को मालूम हो चुका है कि हम लोग कौन सा तलवार इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल उसी लीग में नहीं है, ये अभी तो टीजर है, पूरे तरीके से मेरे डायलॉग्स आए भी नहीं, वो सरप्राइज पैकेज है। मैं इस फिल्म में ब्रज भाषा बोलती हूँ, बाबू मशाई में बिल्कुल अलग डायलेक्ट था, वो मेरा यूपी का, यूपी बिहार का एक बॉर्डर का डायलेक्ट था, ये अलग डायलेक्ट है। यहाँ मैं राजस्थान की लड़की हूँ, और ये काफ़ी डरी सहमी सी लड़की है जिसकी शादी हो जाती है, हस्बैंड उसे पीटता है, फिर वहाँ एक खून हो जाता है, उसका शक इस लड़की पे आता है, तो वो जो है माया, मैं जिसका कैरेक्टर निभा रही हूँ, तो वो बचने की कोशिश करती है। ये है स्टोरी, बिल्कुल अलग है कि कॉमन बस एक ही चीज़ है कि वो साड़ी में थोड़ा देहाती लुक है बस, और कुछ कॉमन नहीं है, बिल्कुल अलग कैरेक्टर है। ओके, लव मेकिंग सीन बहुत है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या कहानी की डिमांड थी या फिर? कहानी की डिमांड थी, मैंने तो नहीं बोले कि लव मेकिंग सीन्स डाल दो, मेरा तो ये डिमांड नहीं होता है। आई एम कम्फर्टेबल इन लव मेकिंग सीन्स, क्योंकि देखिए स्क्रिप्ट का जो ज़रूरत है, एक बोल्ड फिल्म है जिसमें एक वुमन सेंट्रिक फिल्म है, जहां औरतें मतलब रिवोल्ट करते हैं, उसका और एक तरीका है, मोस्टली औरत दे यूज़ देयर सेंसुअलिटी टू टेक रिवेंज, ऐसा भी होता है, तो है फिल्म में बोल्ड कैरेक्टर्स, बोल्ड सीन्स है, तो ठीक है। Okay, इतना क्या सोचना, ये कोई खास टारगेटेड ऑडियंस के लिए जैसे आपने कहा कि हो सकता है ज्यादा, लेकिन मुझे हमें भी लग रहा है कि ए ही मिलेगा, तो आपको लग रहा है कुछ ऑडियंस मिस हो जाएगी इस वजह से? ऑडियंस अब क्या बोलूँ, ऑडियंस देखिए, ऑडियंस को जो देखना होता है वो देख ही लेते हैं, ऑडियंस काफ़ी समझदार हैं, चालू हैं, देख लेते हैं। नहीं देखिए, ये कोशिश तो है कि अगर यूए सर्टिफिकेट मिल जाए, पर है कि काफ़ी गालियां हैं, तो ए मिलेंगे हमें पता है, पर फिर भी कोशिश जारी है। हमने अलग भी डबिंग किए हैं, जहाँ गालियाँ हैं वहाँ थोड़ा अल्टरनेट डबिंग भी किया है, कोशिश चालू है कि यूएस सर्टिफिकेट मिले, देखते हैं बाकी। क्योंकि क्या चैलेंजिंग था और क्या मैसेज देगी, क्योंकि यू नो मोक्ष की मैं बात करता हूँ, तो मोक्ष में अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में कांड हुआ था, मुझे वो याद आ जाता है, मोक्ष मतलब एक साथ ग्यारह लोग फांसी के फंदे। हाँ, मोक्ष पाने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, अब यहाँ इस लड़की का नाम माया है,
अब वो भी माया के जाल में फंसी हुई है, अब पूरी लाइफ ही देखा जाए तो माया है। अब ये बहुत स्पिरिचुअल बातें हैं जो मैं करना नहीं चाहती। हमारे फिल्म से रिलेटेड जो है कि ये एक सस्पेंस थ्रिलर है, ये माया की जर्नी है और मोक्ष की भी जर्नी है। मोक्ष एक 10 साल की लड़की है, उसके साथ भी बहुत सारे हादसे होते हैं, ये उसका भी जर्नी है। ये उस पुलिस इंस्पेक्टर की जर्नी है जो जिसे शक है कि माया ने शायद एक खून किया है, तो है उस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट की झंडा लेके नहीं आते हैं, पर एक सटल मैसेज तो है कि महिलाओं को आप जैसा जितना वीक समझते हैं वो ऐसा है नहीं, जो दिखते हैं वो ऐसा है नहीं, दे आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जी, और क्या खास लगा इस फिल्म में? इस फिल्म की स्टोरी बहुत कमाल है, यही खास है। इस फिल्म का स्टोरी कपिल शर्मा ने लिखा है, कपिल कौस्तुभ शर्मा, वो बहुत ही एक बहुत अच्छे राइटर हैं। ये स्क्रिप्ट पढ़ के मैंने एक ही बार में हाँ कर दी, जो भी पैसे मिले ये स्क्रिप्ट तो करना ही है, फिल्म तो करना ही है। ज़बरदस्त डायलॉग्स हैं मेरे। इसके बाद और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स में काम किया है। मेरी एक फिल्म है श्रेयस तलपड़े के साथ, अमिताभ वर्मा डायरेक्टर हैं, उसका नाम है 3-2-5, और एक फिल्म है टी फॉर ताजमहल। ऐसे काफ़ी सारे फिल्म्स हैं। I need a honest answer. No, honestly, I could only think of Bidita in this role. ये मेरा कॉल था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, एंड आई वॉज ट्राइंग टू कन्विंस के और कोई मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है कि somebody else could do. Of course, I did see बंदूकबाज, मुझे तब से ये बहुत पसंद आई है, एंड शी इज़ अ परफॉर्मर, शी हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब, शी हैज़ प्रूव्ड कि आपने कास्टिंग जो की वो सही की, शी हैज़ बीन अ वंडरफुल पर्सन, डाउन टू अर्थ, कोई टेंट्रम्स नहीं, उसे आगे जाना है, एंड अमेजिंग काम दिया है। लाइक जैसे ऑडियंस भी देखे कि पिक्चर शी इज प्रूव्ड हरसेल्फ, तो यस यस नो दैट। क्या खास है फिल्म में रीजन की बात करूं जो टीजर में नजर आता है, देयर देयर शुड बी डब मेकिंग सीन आल्सो, जो यार मैंने चीज चीज में नोटिस, क्या कहानी की डिमांड थी कि कहानी की डिमांड थी लव मेकिंग सीन्स का? देखिए, यहाँ पर ये फिल्म जो है विदाउट एनीथिंग, स्क्रिप्ट के डिमांड के बगैर कुछ भी नहीं ठूसा गया है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप फिल्म देखेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट दे रहा हूँ, या कल जब फिल्म रिलीज़ होगी, कोई वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे इसमें। जो भी कुछ किया गया है स्क्रिप्ट को दायरे में रख के, उसी को समझ कर, और जो कुछ डिमांड थी स्टोरी की वही किया गया है। अगर 1.5 मिनट का सीन था तो 1.5 मिनट ही रखा गया है। ऐसा नहीं कि हम लोग फिल्म बेचने के चक्कर में, बहुत लोग होते हैं कि मसाला ठूस दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने स्क्रिप्ट के साथ खिलवाड़ नहीं किया है। हमारे पास जो स्क्रिप्ट, जो स्टोरी हमने पसंद की थी, वो एग्जैक्टली वही पर्दे पर उतारने की कोशिश की है। तो और बाकी ऊपर वाले के हाथ में कि चलना ना चलना ऊपर वाले का, लेकिन एक अच्छी फिल्म हमने बनाई है और सेंसिबल फिल्म बनाई है, और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे टीम को प्राउड फील करना चाहिए कि हमने एक अच्छा प्रोजेक्ट तैयार किया। ओके नीरज, फिल्म क्या एक सोशल मैसेज भी कैरी करती है, यू नो ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस आई केम टू नो एक बच्ची की भी कहानी है, क्या वुमन एम्पावरमेंट की बात करती है या जो जुल्म देखिए महिलाओं पे हो रहा है उसकी बात करती है? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। आज के युग में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है एम्पावरमेंट, फीमेल भी एम्पावरमेंट। मैं बहुत ज़्यादा स्टोरी के बारे में रिवील अभी फ़िलहाल नहीं करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आपका जिस्ट चला जाता है, और जो ईगरनेस होती है जो पब्लिकों के बीच में कि हमें देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, अगर हम कहानी का थोड़ा सा भी पत्ता खोल देते हैं तो कहीं ना कहीं वो जिस्ट चला जाता है, वो मज़ा चला जाता है, लोगों को पहले ही पता चल जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है और एम्पावरमेंट की बात है, और साथ में एक मैसेज भी है, एक जर्नी है, ये फिल्म एक जर्नी है, बस इतना, इससे ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहूँगा कि एक बच्ची भी है तो एक उम्र दराज औरत भी है उसमें, तो उसका एक जर्नी है बस। ओके, आखिरी सवाल आपको मैं से, फिल्म मेकिंग इज अ वेरी सीरियस रोल, आज की तारीख में जहाँ मोनोपोली का आलम यह है कि राकेश रोशन और शाहरुख खान जैसे लोग फिल्म में लड़ रहे होते हैं, वहाँ आप अपनी फिल्म कितनी स्क्रीन में रिलीज करेंगे उसकी क्या? देखिए, बहुत 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 सही कहा, हम कंपेयर नहीं करते अपनी फिल्म को। अक्सर आपने बहुत जगह इंटरव्यू लिया होगा, बहुत प्रोड्यूसर्स आपको मिले होंगे जो कह रहे हैं मेरी कुछ फिल्म, मेरी फिल्में अलग हटके हैं, तो बिल्कुल सबकी फिल्में अपने अपने अलग हटके ही होते हैं। और सही बात कंपेयर की, अब शाहरुख सलमान वो साहब सब बड़े एक्टर्स हैं, हमने एक प्रयास किया है एक अच्छी चीज़ बनाने की, अब
कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ तक ये बातें, ये जो दृढ़ संकल्प है जो हमने ठाना है वो कहाँ तक सफल हो पाते हैं, ये तो रिलीज़ होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम लोग फिलहाल वो ऊपर इतना सपना नहीं देखते हैं कि भाई इतनी बड़ी चीज़ें, इतना वो चीज़। हमें एक अच्छा सब्जेक्ट मिला, हम लोग टीम हम लोगों ने इकट्ठे किए और इस तरह से करके एक एग्जीक्यूट किया प्रॉपर वे में। अब देखते हैं पब्लिक कहाँ पर सर पे बिठाती है, दिल से लगाती है, गले लगाती है, तो उनकी जिम्मेदारी है भाई। थैंक यू सो मच। इट्स अ वुमन सेंट्रिक फिल्म, यू नो, इट इज नॉट ऑलवेज ईजी दैट सच काइंड ऑफ नैरेटिव कम्स योर वे, जहाँ पे मेन एक जो लड़की है वो मेन लीड है ही, और जिसके ज़रिए कहानी चलती है, और साथ में ये पुलिस ऑफिसर, वो भी एक फीमेल पुलिस कॉप है, और इसमें यू नो देर इज थ्रिलर एंड देर इज टू मैनी टर्न्स एंड ट्विस्ट्स। सो एक और दो फीमेल्स में एक टकराव है इमोशंस का, सिचुएशंस का, नहले पे दहला, दहले का एक खेल चलता रहता है। सो इट वाज यू नो अ नाइस पैकेज। नहीं देखिए, वो तो थोड़ा सा इंडस्ट्री का चलन ऐसा रहा है कि एक टाइप कास्ट हो जाते हैं एक्टर्स, पर अगर अच्छे एक्टर की यही पहचान है कि जब उसे मौका मिले यू नो कुछ और अलग करने का, तो वो उस मौके को ही भुना ले जाता है और फिर वो दरवाजे खुल जाते हैं। एंड एज विदिता, शी इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड गर्ल, एंड आई सीन हर द वे शी वर्क्स, एंड शी इज़ लाइक वेरी ग्राउंडेड, एंड शी इज़ अ थरो प्रोफेशनल, एंड आई एम श्योर उन्होंने पहले भी अलग तरीके का रोल किया है, और इसके बाद में उनके और भी रास्ते खुलते चले जाएंगे, और मैं तो यही चाहूँगी कि उन्हें बहुत भिन्न भिन्न तरह के किरदार खेलने को मिले, बिकॉज शी हैज़ दैट टैलेंट। नहीं देखिए, वो तो टेलीविज़न का सफ़र था, और कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा लकी रही हूँ कि मैंने पहले वो लाडो किया, और उसके बाद में एक मैंने दहली शो किया था जिसमें मैं एक बहुत ही मॉडर्न लॉयर का किरदार मैंने प्ले किया था, और यहाँ पे एक पुलिस कॉप है फिल्म में। इससे पहले एक फिल्म की थी मैंने ज़ुबान, उसमें एक बहुत ही मॉडर्न डेलियाइट यू नो वेरी फिल्थी रिच वुमन। सो कहीं ना कहीं फिल्म्स में भी अलग अलग किस्म के किरदार खेलने का मौका मुझे मिल रहा है, यही चाहूँगी कि और ऐसा मिलता रहे और हम ऐसे ही खूबसूरती से काम करते रहें। देखिए, हमारे फिल्म को ए सर्टिफिकेट ही मिलेगा, हमारी फिल्म को ए सर्टिफिकेट ही मिलेगा, क्योंकि यूए की गुंजाइश है नहीं। ये फिल्म जो है, ये एक बच्ची की कहानी जर्नी है, जो 10 साल की बच्ची का जर्नी, मतलब उसके साथ क्या क्या हालात आते हैं, क्या क्या सिचुएशन आते हैं, और उसको क्या क्या समझौता करना पड़ता है, तो उस समझौते में बहुत सारी कहानियाँ आएंगी, तो इसलिए मुझे नहीं आया कि ये मिलेगा, ये ही मिलेगा। जब आपने लिखना चालू किया, इस काम करना चालू किया, क्या जहन में था? मैंने जब ये कहानी लिखना शुरू की, तो कभी कभी एक कुछ ऐसे साधारण से लोग होते हैं हमारे लाइफ में, जिनके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते हैं कि उनके इतने लेयर्स, इतने रूप होते हैं। तो बेसिकली ये कहानी है एक लड़की की, जो एक छोटे से गांव की है, जो साड़ी पहनती है, एक औरत को हम भाभी या बहन, माँ, एक सर्टेन उन्हीं चीज़ों में ही हम एक सीमित कर देते हैं। लेकिन एक औरत में बहुत रूप हैं, और जितने रूप हैं कोई आज तक ना समझ सका है, ना समझ सकता है। तो वही एक कहीं ना कहीं बेस था। तो ये इस करेक्टर के इतने लेयर्स हैं, इतने रूप हैं,
जो ऑडियंस को सरप्राइज करते रहेंगे कि एक इंसान में क्या 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 रूप होते हैं। सोशल मैसेज भी कैरी करती है जब हम छोटी बच्ची की बात करते हैं, जब हम वुमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, या हिंदुस्तान में जिस तरह के हालात महिलाओं के खिलाफ हैं हम उनकी बात करते हैं, क्या हम सोशल मैसेज भी कैरी करते हैं? हाँ, ये जरूर सोशल मैसेज कहेगी। और हम यही तो कहना चाहते हैं कि जो ये बच्ची की कहानी हो, कुछ कहानियाँ ऐसी होती कि कहीं नहीं जा सकती, उसको दिखाएं अगर तो मतलब कि ये है, तो जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि रियली में इसमें कुछ मैसेज है, तो है। ओके, आपके सवाल आपसे विदिता से, विदिता से भी हमने बात की, विदिता ने बताया फिल्म में गालियाँ भी हैं, अभी तो सिर्फ टीजर टेलर को आना बाकी है, तो क्या रिक्वायरमेंट थी, जरूरत थी कि किरदार रियल स्पेस में लगे इसलिए गालियों का इस्तेमाल हो गया? गालियों का इस्तेमाल इसलिए हुआ कि एक कैरेक्टर ही उस तरह की जो हालात से मारी होती है, एक छोटे गांव की है, इसीलिए हम लोगों ने खैरतल में जाके शूटिंग किया जो कि राजस्थान में है, अदरवाइज हम कहीं और भी कर सकते थे, लेकिन एक रियल लोकेशन पे जाके आप देखेंगे तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी रियल मिलेगा, ये जेल भी रियल मिलेगा, मतलब सारी चीज़ें हमने कोशिश की है अपने आप से कि एक रियल रखो, रियल रियलिस्टिक रखो, और इसी वजह से गालियाँ भी आई है कि एक आदमी गाली क्यों बकता है, किस कैरेक्टर में बरता है, तो आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। और अभी तो टीजर है, देखिए आगे आगे होता है क्या। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सस्पेंस है, तो इसमें बाद में जब मैं आता हूँ फ्रेम में लास्ट में जो पोर्ट्रे होता है मेरा कैरेक्टर, बहुत ही सस्पेंस वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। इस फिल्म के दौरान जो एक्सपीरियंसेस थे बहुत अनप्रेडिक्टेबल थे, क्योंकि वेदर वैसा था, ठंड का मौसम था, और उसके अलावा शूटिंग टाइम कभी कभी लेट हो जाता था, कभी कभी बहुत ज़्यादा नाइट्स में शूट करना पड़ता था इतनी ठंड में, तो लेकिन एंटायर टीम एंड क्रू वाज वेरी सपोर्टिव, आवर डायरेक्टर स्पेशली एंड आवर को एक्टर्स विदिता जी, मेघना मलिक जी, फैबुलस, बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने, बहुत चीज़ें सीखने को मिली, सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मैं भी किरदार निभा रहा हूँ इसमें, राम नारायण कैरेक्टर है मेरा, बहुत ही फनी कॉमेडी कैरेक्टर है और एंटरटेनिंग है, और फिल्म काफ़ी अच्छी बनी है, और सब जो किरदार जो निभा रहे हैं सब ने 100% एफर्ट्स दिए हैं, और लगभग मेरे ख्याल से अच्छी चली है। मेन इस पिक्चर में जो टीम वर्क है दैट इज़ सुपर्ब, और जो एक बॉन्डिंग है, कनेक्शन है क्रू का, एक्टर्स का, एंटायर सेटअप का, बहुत ही ऑसम है, और अलवर इज़ ए फैबुलस प्लेस, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पे हमने शूट किया है, तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस और बहुत अच्छी मेमोरी बन गई है, एंड या होप ऑडियंस को पसंद आएगी हमारा जो हार्ड वर्क किया है हमने, इतनी मेहनत की है, सो ऑल द बेस्ट टू अस एंड स्पेशली एक्टिंग विद विदिता बैग, विदिता बाग, ऑल द को एक्टर्स, मेघना मलिक जी, विदिता बाग जी, सो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एक्टिंग विद देम, एंड इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर मी ऑल्सो टू एक्ट एंड परफॉर्म इन अ वेरी गुड वे। सो अच्छा लगा है जो हमने सबने मिलकर जो एफर्ट किया था, ऐसा लग रहा है कि हम उसके अंदर सक्सेस है, और आने वाले दिनों में हम ये चाहेंगे कि देश के लोग भी इसको उतना ही पसंद करें जितना आज सब लोगों ने इसे देख के कहा है कि बहुत अच्छी पिक्चर बनी है, तो हम चाहेंगे कि सबको पसंद आए, अच्छा लगे। सर आप मुझे भी कुछ कहना है। जी जी हाँ, बोलिए ना। मैं जब यंग था तो काफ़ी फिल्म देखा करता था, बहुत राजकुमार जी का बहुत, दो अब हमारे एक दोस्त हैं भाई की तरह हैं मनोज सिंह, वो डायरेक्टर हैं, काफ़ी सीरियल्स किए हैं वो हैं, मैंने सीरियल भी यहाँ बनाया है, अब उनकी उनकी एक इच्छा थी कि एक फिल्म बन जाए, एक इंटरटेनमेंट भी हो, इंटरटेनमेंट तो एक अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए, सिनेमा एक उसका माध्यम है, गाना उसका माध्यम है, उनके अच्छे कंसेप्ट थे, तो हमने पूरा सहयोग किया, फाइनेंशियली सहयोग किया और फिल्म बन गई। बीच में जब रफ कट था तो मैंने देखा था 2 महीना पहले, इंटरवल तक मेरे ऐसा आदमी जो फिल्म देखना नहीं पसंद करता है, मेरी आंख नहीं हटी पर्दे से, इतनी अच्छी फिल्म मुझे लगी। अब दर्शक लोग डिसाइड करेंगे
कितनी अच्छी पिक्चर है, आज का इनका अरेंजमेंट व्यवस्था सब अच्छा है। आप लोग आए, आपको धन्यवाद, आपने कष्ट किया इसके लिए। लगता है मोक्ष तो मिल ही जाएगी, माया मिल जाए। खैर मेरे हस्बैंड की फिल्म है और अगर मैं कहूँ कि मैं उनको बेस्ट विशेज देती हूँ, फिल्म बहुत अच्छी है, तो ऐसा ही समझा जाएगा कि मैं अपनी ही चीज़ की तारीफ कर रही हूँ। तो बाकी क्या है कि अब वो ज़माना आ गया है जब छोटी फिल्में हों लेकिन एक अच्छी फिल्म हो, अच्छा कंटेंट हो, तो लोग उसे लाइक करते हैं। अब ऐसा नहीं रहा कि सिर्फ स्टार्स, बहुत बड़े स्टार्स होंगे तभी फिल्म चलेगी। तो मुझे ये सब्जेक्ट जो है कपिल शर्मा जी का है और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, बहुत अच्छा अच्छी स्टोरी है उनकी, तो कहानी बहुत अच्छी है। तो मेरे और विदिता जी ने बहुत अच्छा काम किया है, मेघना मलिक जी हैं और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, तो मुझे लगता है कि लोग लाइक करेंगे। बाकी सारी चीज़ें तो ऑडियंस पे होती है आजकल, अगर कोई चीज़ ऑडियंस को पसंद आती है तो डेफिनेटली वो अच्छी है, और अगर नहीं पसंद आती तो मैं समझती हूँ कि वो अच्छी नहीं है। तो सारा अब देखिए लोग इसको कैसे लेते हैं, कैसे पसंद करते हैं। आपको कोई किरदार में देखेंगे इस फिल्म में, स्पेशल अपीयरेंस? नहीं 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 नहीं, मैं इस फिल्म में नहीं हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड वाइफ को इकट्ठे काम नहीं करना चाहिए। तो मैं इस फिल्म में बिल्कुल नहीं हूँ, और मेरे को खैर ऑफर हुआ था रोल, लेकिन मुझे नहीं लगा।